मैं ये मानता हूँ कि बुद्ध की जो शिक्षा है जी, बुद्ध के जो मूल तत्व है वो श्रवण संस्कृति भारत की मूल संस्कृति है। उस मूल संस्कृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेकर दुनिया को दिखाने का काम किया है। और भारत का बुद्ध जो दुनिया ने स्वीकारा है वो दुनिया के बौद्धों से भारत के जो पिछड़े वंचित जो जिनको अपन डिप्रेस्ड क्लास जिसको बोलते थे इन सब लोगों का रिश्ता वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी लोगों से भी जोड़ने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। धम्म क्रांति के 68 सालों का ये मूल्यांकन चल रहा है आप जानते हैं, और इस समय हम लोग पहुंचे हैं एक उस प्रसिद्ध कलाकार के पास जो कलाकार अपने आप में एक कार्यकर्ता कलाकार है। आपको बता दें कि मध्य भारत में एक ऐसा कलाकार जो कव्वाली हो चाहे नज्म हो, गज़ल हो चाहे गीत हो या फिर कोई लोकगीत हो, वैसे इस कलाकार की पहचान आती है लोकगीतों से, लेकिन आज ये कलाकार मध्य भारत का वो संजीदा कलाकार है जो मंच पर अभिनय भी करता है, फिल्मों में भी अभिनय करता है, गीत लिखता भी है, गीत गाता भी है, उन्हें संगीतबद्ध भी करता है। जी हाँ, परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं, अनिरुद्ध शेवाले इस कलाकार के पास है हम। दरअसल महाराष्ट्र के उन कलाकारों को जो बिखरे हुए कलाकार है उन बिखरे हुए कलाकारों को इकट्ठा कर उनका एक बड़ा संगठन भी उन्होंने बनाया और अपनी कला के माध्यम से पूरे समय प्रबोधन करते हैं। एक राष्ट्रीय प्रबोधनकार के रूप में उनका परिचय आता है। अनिरुद्ध शिवाले जी, जय भीम। जय भीम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय दरअसल आवाज़ इंडिया टीवी चैनल ये एक बाबा साहेब की धम्म क्रांति का एक छोटा सा मूल्यांकन कर रहा है, और इसी सिलसिले में हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आपका जो गीत है, आपका जो लेखन है, आपका जो गायन है, आप कई स्फुट लेख लिखते हैं, कई किताबों पर किताबें आपकी आती है, हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी इस पूरी अभिव्यक्ति में बाबा साहेब की धम्म क्रांति आपको कितना प्रेरित करती है। वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल आपने किए। बाबा साहब के धम्म क्रांति को मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा लेकर बुद्ध की जो विचारधारा है उस विचारधारा से अपने आज़ाद भारत को बलशाली बनाने का काम किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी। यहाँ तक तो कोई सोचते भी नहीं और पहुँचते भी नहीं। लोग तो ये सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म के लोगों से त्रस्त होकर, जातिवाद से त्रस्त होकर बुद्ध की दीक्षा ली। नहीं नहीं, आप कैसा मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि बुद्ध की जो शिक्षा है जी, बुद्ध के जो मूल तत्व है वो श्रवण संस्कृति भारत की मूल संस्कृति है। उस मूल संस्कृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेकर दुनिया को दिखाने का काम किया है। और भारत का बुद्ध जो दुनिया ने स्वीकारा है वो दुनिया के बौद्धों से भारत के जो पिछड़े वंचित जो जिनको अपन डिप्रेस्ड क्लास जिसको बोलते थे इन सब लोगों का रिश्ता वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी लोगों से भी जोड़ने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। अभी इस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे लोगों से जब बातचीत करते हैं, बहुत सारे कलाकारों से बातचीत की हमने, चाहे वो पेंटिंग से जुड़े हैं, चाहे वे नाटकों से जुड़े हैं, नृत्य से जुड़े हैं, गीतों के माध्यम से जो प्रबोधन करते हैं उनमें आपसे भी मिलने आ गए। लेकिन हमें एक बात पता चलती है कि अम्बेडकराइट सेगमेंट पर, बुद्धिस्ट सेगमेंट पर काम करने वाला ये जो कलाकार है ये अपने आप को कलाकार नहीं कहता, ये कहता है कि मैं कार्यकर्ता कलाकार हूँ। इस बात को आप कैसे समझाएंगे कि आप कार्यकर्ता कलाकार कैसे बनते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदगी भर मूवमेंट को तो एक सब्जेक्ट लेके रहे हैं जी। उनका सब्जेक्ट ये था इक्वलिटी, समानता, जो समानता समता बुद्ध ने बताई है। तो इंसान इंसान एक समान, ये जो इक्वेलिटी के विचार थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, इसीलिए तो उन्होंने बुद्ध को स्वीकार किया। बुद्ध का धम्म स्वीकार करने का कार्य जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो उस समय दीक्षा लेने का काम इसलिए था
कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के मतलब जितने भी लोग थे भारत जी, में जी, उन सब कोई पर्टिकुलरली कोई एक ही कास्ट के नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिस कास्ट के थे उसी कास्ट के नहीं थे सब लोग। बाबा साहब को चाहने वाले कुछ ब्राह्मण भी लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे। प्रबोधनकार ठाकरे तो बाबा साहब अंबेडकर से मतलब बहुत ताल्लुका था उनका, नज़दीक का वैचारिकता से, यानी विचारों से जो लोग जुड़े थे उन सब लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने धम्म क्रांति से ये बताया है कि ये अपनी मूल जो संस्कृति है भारत की जी, ये संस्कृति सबने अपनाना चाहिए। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ये तो आपके गीतों में भी आता होगा जी जी जी, आपके शेरों में भी आता होगा जी जी जी। इसकी दो पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए आ जाए। व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था। क्या बात है, व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था, उसके सिवा ना इंसान की तरक्की, ये भीम जी ने जाना था। दबे कुचले पिछड़े सभी इंसानों को राज सिंहासन पर लाना था और यही सच्चा प्रजातंत्र है सारे दुनिया को दिखाना था। क्या बात है। देखिएगा बाबा साहेब की धम्म क्रांति का ये जो साक्ष्य आता है, ये कलाकार बाबा साहेब की धम्म क्रांति से प्रेरित होकर जब बुद्ध की विचारधारा को अपने गीतों में पिरोते हैं तो देखिएगा वो शब्द भी उतनी ही संजीदा होकर अपने सुनने वालों के पास पहुँचते हैं, अपने दर्शकों के पास पहुँचते हैं। अनिरुद्ध शिवालय जी से हम जब हम ये बात कर रहे हैं तो वे ये बात ज़रूर कहते हैं कि बाबा साहेब एक ऐसी व्यवस्था को चाहते हैं जो व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, मैत्री, इन तत्वों के साथ आगे बढ़े। और इसलिए बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म क्रांति करते हैं तो नागनगरी को भी चुनते हैं। मुझे लगता है कि शिवाली जी के पास इससे जुड़ा हुआ भी कोई गीत होगा कि बाबा साहेब ने नाग नगरी को अपनी दीक्षा के लिए क्यों चुने, आपको क्या लगता है? ये नागपुर जो है जी, ये नागपुर बौद्धों का क्षेत्र है या नाग लोग रहते हैं, इसलिए इसको नागपुर कहते हैं। मतलब नागवंशीय लोग, नागवंशीय लोग रहते हैं और इसीलिए इसको नागपुर कहते हैं। ये नागवंशी जो लोग थे ये बौद्धिस्ट लोग हैं, मूल बौद्धिस्ट है, मूल मूल यानी बौद्धिस्ट लोग ही है जी। और दूसरी बात यह है कि नागपुर भारत का मध्य बिंदु है, मध्य केंद्र है, किधर से भी आए तो आप नागपुर में आओगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को ऐसा लगा कि पूरे भारत के जो भी लोग आएंगे नागपुर में आएंगे और यहाँ नागपुर में जो क्रांति होंगी वो सब तरफ जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या आप दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि नागपुर के लोगों पर इसे प्रचारित करने की जिम्मेदारी अन्य लोगों से ज़्यादा है? नागपुर के लोग बड़े होशियार भी है, विद्वान भी है, बुद्धिवान भी है और प्रज्ञावान भी है, शीलवान भी है। तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर एक मराठी सांगतो तुम्हाला मी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांनी असं म्हटलं आहे की शिलाशिवाय शिकले सवरले लोक जर निपजू लागले तर त्यातच समाजाचा सर्वनाश आहे। ये जो मोठं वाक्य आहे, शील के बगैर यदि लोग पढ़े लिखे कितने भी हो जाए लेकिन उनके पास चरित्र ही नहीं है तो उसका क्या अर्थ होगा। और ये जो बाबा साहब कहते हैं कि शील ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, ये चरित्र को बनाता है, और आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो जाए तब भी उसका कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, प्रज्ञा को शील की ज़रूरत है। इस पर बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म में एक बड़ा अध्याय लिखते हैं और उस अध्याय को हम बुद्ध और उनका धम्म ये जो उनका ग्रंथ है उसमें पढ़ भी सकते हैं। शिवाली साहब, एक बात ये कही जाती है कि कलाकार जो होता है वो कोई अन्य चीज़ों को नहीं लिखता है, जो कुछ वो देखता है उसके सामने जो घटित होता है, वो जिस समाज को देखता है, जिस व्यवस्था को देखता है, बस उसके गीतों में उसी की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप समझेंगे कि ये जो दौर है, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं और बाबा साहेब ने जिस दौर में धम्म क्रांति की, उस धम्म क्रांति का उन्होंने जो कोई स्वप्न देखा, इसे जोड़कर क्या आपके पास कोई रचना बनती है? जी जी, बहुत अच्छी एक बात है मेरे पास जी। बाबामुळेच झाले जी, बाबामुळेच झाले देशात या परिवर्तन, बाबामुळेच
झाले बाबा मुळेच झाले। क्या बात है, देशात या परिवर्तन धम्मामुळेच झाले, धम्मामुळेच झाले, देशात या परिवर्तन। इसका अर्थ है कि धम्म से ही इस देश में परिवर्तन हुआ है। और बाबा साहेब, या यहाँ पे जब बाबा कहते हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनके लिए कहते हैं, और इसलिए बाबा के ही कारण, बाबा साहेब के कारण ये परिवर्तन हुआ है। तो देखिएगा कि कलाकार जब अपनी बात को अभिव्यक्त करता है तो वो उसके वर्तमान में जो चीज़ें उसके सामने होती है बस वही चीज़ें उसके पास से आ जाती है। शिवाली साहब, आप इतना, मतलब केवल आपके क्षेत्र में नहीं, जहां आप नागपुर के विभाग में रहते हैं, इसी क्षेत्र में नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष में आप एक प्रसिद्ध गायक के रूप में, गीतकार के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में, फिल्म आर्टिस्ट के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन हम एक अलग पहचान से आपको जानते हैं और आप कथावाचक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। ये जो कथावाचन है, ये कथावाचन धम्म क्रांति को आगे बढ़ाता है या किस चीज को लेकर यह कथावाचन होता है? हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। वो मैं तो इधर महाराष्ट्र में और एमपी छत्तीसगढ़ इधर प्रोग्राम करता था मैं जी। मुझे एक बार ऐसा फोन आ गया, बोले आप शिवाली जी बोल रहे? बोले जी हाँ। मैं बोले आईएएस अधिकारी कलेक्टर बोल रहा हूँ और राजस्थान से बोल रहा हूँ। मुझे तो एकदम ऐसा लगा कि बाप रे बाप। तो मैं बोला हाँ बोलिए सर। बोले मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के बारे में यहाँ पर कथा का प्रोग्राम कराना चाहता हूँ, और मैं जितने मेरे रेंज के लोग हैं, बोले उन सबको ये पूछा, बोले कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन एक कलाकार है जो ये प्रोग्राम दे सके? तो बोले आपका नाम आया, बोले वहाँ से। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोला अरे बाप रे, मैं तो इधर तो बताता हूँ, मैं इधर एमपी छत्तीसगढ़ इधर महाराष्ट्र में तो प्रोग्राम करता ही हूँ, बोला अच्छा मौका है। तो मुझे उन्होंने पहली मुलाकात के लिए वहाँ बुलाया राजस्थान में, और वहाँ उन्होंने प्रोग्राम किए अम्बेडकर कथा, 1,00,000 लोग थे, ऐसा प्रोग्राम हुआ अंबेडकर कथा। क्या उस अंबेडकर कथा का कोई एक छोटा सा नमूना, जिसको कहे एक छोटा सा उदाहरण कहे, जो हमारे दर्शकों को समझे कि भाई कथा वाचन ये भी एक सेट है जो इस कला के क्षेत्र में आता है। हाँ, और वहां मैं एक बात देखा, जब गया मैं जी, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में उनके दिल में बहुत लगाव था। वो उनका जो ऑफिस था ना, पूरा कलेक्टर ऑफिस, यहाँ संविधान, वहाँ बाबा साहब की किताबें, इधर सब पूरा बाबा साहब ही थे, बाबा साहब अंबेडकर जा देखो। नहीं तो उसकी दो पंक्तियां तो हमारे दर्शकों के लिए दीजिएगा, तो उस कथा वाचन की शुरुआत जब किया मैंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, तो वो गीत अभी भी वहाँ, जैसा भी मैं जाता अभी जी, अभी कम से कम मेरे को 2009 का पहला प्रोग्राम हुआ था वहाँ जयपुर में, तो अभी सिर्फ कोरोना का जो साल था वो कोरोना के साल में नहीं बुलाए उन्होंने, बाद में अभी पिछले साल और मेरा प्रोग्राम हुआ, तो जो गीत है मेरा जी, जू 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 राम जी के घर में आया नन्ना सा लाल, वो भीमाई का हुआ था एक पैदा लाल, महू गाँव में हुआ था नन्ना सा लाल। वो यानी वो पूरे झूले में तो बाबा साहेब के जीवन की पूरी गाथा होती है इसमें। तो क्या इसमें बुद्ध के जीवन गाथा भी गाई जाती है?
बुद्ध की जीवन गाया गाथा गा सकते मनुष्य, अभी उसका प्रयोग नहीं हुआ। नहीं, बुद्ध क्या कथा का प्रयोग हुआ नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने कुछ प्रसंगों पर गाया तो होगा बुद्ध के गीत। नहीं, मैं वो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आखिरी में धम्म दीक्षा जब लेते हैं जी, देखिए आपने जो अभी सवाल किए मुझे, तो बताते हुए मैं, मुझे अच्छा हुआ कि ये सब्जेक्ट आ गया। वहाँ मुझे एक शख्स ने ऐसा पूछा था, बोले छत्रपति शिवाजी महाराज भी पेशवा थे ना, बोले। अरे बाप रे, मैं बोला कितना बड़ा अज्ञान है, मतलब कोई जागरण ही नहीं हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि पुणे में से जो पेशवाओं का महाराष्ट्र में राज था, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को पेशवा कहते हैं वो लोग, इतना ऐसा बताया गया उनको। मैं बोला नहीं नहीं, पेशवा वो नहीं है, पेशवाओं का अलग है, पेशवा ये छत्रपति शिवाजी महाराज तो अपने थे, हमारे मराठी थे वो, छत्रपति शिवाजी महाराज राजपूत थे, वो राजघराने से आते थे, इधर उनको मराठा कहते हैं। और उनकी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी जिजाऊ माता के जो पिताजी थे लखूजी जाधव, वो तो महार थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो बोले आपका महाराष्ट्र जो है महारों का राष्ट्र महाराष्ट्र है ना, बोले। बोला हाँ। एक बात शिवाड़े साहब, हम एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब का जो आंदोलन है, जिस आंदोलन के तहत बाबा साहेब, उनके आंदोलन का एक अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है कि उन्होंने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, जहां से उन्होंने अपने आंदोलन की, सामाजिक बदलाव के आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन वे अगर उनके अंतिम आंदोलन को देखा जाए तो वे बुद्ध धम्म की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में बुद्ध की शिक्षाओं की अगर बात समझे तो बुद्ध एक बात को ज़रूर समझाते हैं कि मिलजुल कर रहना, इकट्ठे रहना, अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने सामने उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग भी है। और ये वज्जी लोगों के संबंध में जब बात करते हैं बुद्ध, तो ये बात ज़रूर कहते हैं। क्या ये प्रसंग आपके गीतों में कभी आते हैं? जी, मेरा तो, मैं जो भी गाता हूँ जी, तो मैं मिशन गाता हूँ और बुद्धिज़्म, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जैसा कि मैं थाईलैंड गया था, मैं जी, तो थाईलैंड के वो जो रानी के घर में हम लोग रहते थे, वहाँ पर महल पे जी, तो वो होटल है बहुत बड़ा, और वहाँ मुझे मौका मिला गाने का। तो वो मन शांति के सिवाना कोई सुख इस संसार में, मन शांति के सिवाना कोई सुख इस संसार में, अपना मंगल है सब जीवों के ही मंगल में, मन शांति के सिवाना कोई सुखी इस संसार में। ये है धम्म क्रांति का प्रभाव। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म क्रांति की, तो उसके बाद ये जो गीत है, ये गीत भी अपनी विषय को बदल चुके हैं, अपनी प्रकृति को बदल चुके हैं, और अब ये बुद्ध के संदेश को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम जो ये इस प्रेरणा को, इस प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं, तो इन कलाकारों के साथ ये बात आती मेरा है। मेरा ये संदेश बहुत अच्छा है जी। मैं एक शेर वहाँ पर कहा था थाईलैंड में जी, सिर्फ पीपल के नीचे ध्यान लगाने से हर कोई बुद्ध नहीं होगा। सिर्फ पीपल के नीचे ध्यान लगाने से हर कोई बुद्ध नहीं होगा, और रोज सेंटेड साबुन से बदन को नहलाने से कभी कोई नित्य शुद्ध नहीं होगा। दुनिया का हर एक इंसान जिस दिन से, दुनिया का हर एक इंसान जिस दिन से प्यार मैत्री करुणा से एक दूसरे से मिलकर आचरण करेगा, तो उस दिन से दुनिया में किसी इंसान का किसी इंसान के साथ कभी युद्ध नहीं होगा। क्या बात है। यानी बुद्ध का सबसे पहले दुनिया में प्यार मैत्री करुणा अहिंसा शांति, ये जिसने कुछ बताया तो ये बुद्ध ने बताया सबसे पहले। बुद्ध के बाद
यीशु ख्रिस्त बुद्ध के बाद हुए ना, मोहम्मद पैगंबर बुद्ध के बाद हुए, महाराष्ट्र के जितने भी संत हुए, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, युद्धा शुद्धापाशी शुद्ध वावे, शुद्धापाशी शुद्ध वावे, माणसाने बुद्ध वावे। नामदेव महाराज कहते ना, आमच्या जवळ आहे तो आमचा प्रचंड, तथागत भगवान गौतम बुद्ध आमचा पांडुरंग। तो ये जो जो संतों ने बताया, कबीर जी ने बुद्ध ही बताया, नानक जी ने बुद्ध ही बताया, यीशु ख्रिस्त ने भी बुद्ध बताया, शांति, जहां प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री, शांति, सबसे पहले बुद्ध की सीख है। एक एक बात शिवाजी जी हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि आपने कई कलाकारों को इकट्ठा किया है और महाराष्ट्र की जो कलाकारों की जो परिषद है, उनका कलाकारों का जो संघ है, उसका आप नेतृत्व भी करते हैं। ऐसे इस तरह से धम्म क्रांति से प्रेरित होकर अपने आप को अभिव्यक्त करने वाले कितने कलाकार होंगे, आप क्या बता सकेंगे? हाँ, कला के माध्यम से जो लोग समाज में प्रबोधन करते हैं, नहीं इनकी संख्या बता पाएंगे कि ये हजार होंगे, 2000 हो गए, हजारों हो गए, लाखों हो गए, क्या क्या कह पाएंगे? संख्या तो नहीं बता सकता मैं जी, लेकिन जैसे वामन दादा उस समय जी, मेरा जो डायरेक्ट मैं वामन दादा से तो मिला नहीं, मैं राजानंद गढ़ पहले से मिला हूँ दीक्षा भूमि पर जी। इधर दीक्षा भूमि में क्या होता था कि दूसरे दिन जितने भी कलाकार आते थे, दूसरे दिन यानी विजयादशमी के दूसरे दिन हम लोग शाम को सब इकट्ठा होते थे, जैसे कि लोक कवि भी काशीनंद मेरे गुरु जी, राज दांडेकर जी, राजानंद गढ़पाले जी, बहुत बड़े अच्छे अच्छे सब लोग, सब कलाकार। तो जो कलाकार स्टडी करते हैं, सबसे महत्व कैसा है, प्रबोधन अगर समाज में करना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगी, स्टडी किए बगैर आप गाना नहीं लिख सकते। और जब तक कि आपको इतिहास मालूम नहीं होगा, मतलब अध्ययन बहुत जरूरी है, अध्ययन बहुत जरूरी है, अध्ययन के सिवा आप कैसे लिखोगे? तो वामन दादा कर्नाटक ने जो अभी एक गीत है वामन दादा का, ज्ञानी जनांचा साठाना आमचा वाटा कुठाय रे, हे गाणं जे ना, ज्ञानी जनांचा साठाना आमचा वाटा कुठाय रे। अब ये पूरे गाने में कई बाबा साहब दिखते, क्या आपको नाम है क्या बाबा साहब अंबेडकर का? लेकिन बाबा साहब का आंदोलन है, हाँ बाबा साहब का विचार है, विचार है। तो वैचारिकता जो है, बाबा साहब अंबेडकर का विचार अपने गीत के माध्यम से समाज में बताना, ये प्रबोधन है। तो ऐसा ऐसा प्रबोधन करने वाले कलाकारों को जो आपने इकट्ठे किया, ये परिषद बनाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान गाना, गुणगान गाने से क्या होगा? भीमाई के बेटा हुआ, फिर राम जी का लाल हुआ, फिर वो मऊ गाँव में पैदा हुआ, फिर मऊ गाँव की माटी मैंने अपने से इसमें लगाई, इससे क्या मतलब है? इससे ये परिवर्तन नहीं है। तो आप किस चीज को परिवर्तन मानते हैं? व्यवस्था परिवर्तन हा विषय होता है भीमाचा। बाबा साहब अम्बेडकर का सब्जेक्ट जिंदगीर क्या था? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन हा विषय होता भीमाचा, त्यासाठी प्रत्यक्षन त्याने खर्ची घातला उभ्या आयुष्याचा, फक्त महाडच्या 14 तळ्याचे पाणी पिणे जरुरी नव्हते त्याला। अगर बाबा साहब पाणी नाही पिय रहते, क्या मर गए रहते? नहीं, वो तो मरे नहीं रहते ना, लेकिन पाणी क्यों लिया उन्होंने? कि हम जानवरों को तुम लोग पानी पीने देते वहाँ पर, और इंसान रहकर इंसानों को पानी पिलाने देते, ये तो हक है हमारा। ऊपर से जो पानी गिरता है वो वेदर नेचुरली, वो पानी किसका है? उस पर हक किसका है? इंसान का हक है, हर सजीव सृष्टि के हर प्राणी मात्रा का हक है उस पर, तो वो नहीं पीने देते तुम। तो व्यवस्था परिवर्तन हा विषय होता भीमाचा, त्यासाठी प्रत्यक्षन त्याने खर्ची घातला उभ्या विषयाचा, फक्त महाडच्या 14 तळ्याचे पाणी पिणे जरुरी नव्हते त्याला, माणूस म्हणून माझे जन्माचे हक्क काय आहे त्याने दाविले साऱ्या जगाला। ये महाड के 14 तालाब का जो आंदोलन है, उस प्रसंग पर ये एक छोटा सा बंद आता है, और इस बंद के साथ जब अनिरुद्ध शेवाले इस बात को कहते हैं कि भाई केवल स्तुति गान इतना ही गीत नहीं होता है, लेकिन उसमें बाबा साहेब का आंदोलन हो, बाबा साहेब की समझ हो, बाबा साहेब की बात हो, बाबा साहेब जो चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचाए, और इसके लिए वे अपने आप को समर्पित भी करते हैं। शिवाले साहब, हम इस बातचीत को पूरा करना चाह रहे हैं और बातचीत को पूरा करते हुए अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसी बात जो धम्म क्रांति को आगे लेकर चले, तो वो क्या बात बताना चाहेंगे आप? चाहे आप गीत में बताएं या फिर चाहे आप दर्शकों से रूबरू होकर ये बात करें।
एक हिंदी का मेरा गाना बड़ा अच्छा है, मैं जहाँ पर भी जाता हुआ गाता हूँ जी, लोग उसके बारे में कुछ समझते होंगे। आदिवासी जो है ना, हम आदिवासी हैं जी। आदिवासी का मतलब इतना बहुत व्यापक है, जो मतलब आप मूल निवासियों की बात कर रहे हैं। इस धरती के भारत के जमीन पर जिसका जन्म हुआ है वो इस देश के आदिवासी है मूल। तो आदिवासी मूल निवासी मिलकर सारे भारतवासी, हक की लड़ाई हमको है लड़ना, जुल्मियों पर मिलकर चढ़ना, बिखरे हुए सब अब मिलाओ, कोई उंगली उठाने की हिम्मत करे ना, संगठन अपना ऐसा बनाओ, संगठन अपना ऐसा बनाओ कि जिसमें कुछ सफलताएं भी आए। और कलाकार की ये बड़ी खास बात होती है कि वो उस उन्हीं चीज़ों को अभिव्यक्त करता है जो वो देखता है। आपको एक शेर बता देता हूँ जी, बिल्कुल बताएं। तमन्ना हो रही है जी, उठाए ना कोई उंगलियां हम पर ऐसे हैसियत की बात करो, उठाए ना कोई उंगलियां हम पर ऐसे हैसियत की बात करो, और कोई माँ का लाल हमारी सच्चाई झुटला ना सकेगा ऐसे असलियत की बात करो। सारे जहाँ में एक रोज आपको जरूर सारी दुनिया नमन करेगी शिवाले साहब, आप सिर्फ बस इंसानियत की बात करो, आप सिर्फ इंसानियत की बात करो, आप सिर्फ इंसानियत की बात करो। और ये जो इंसानियत की बात तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से आती है, और जिन शिक्षाओं से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर के दिन नागपुर की नाग नगरी में ये हाशिए के पूरे समुदाय को जोड़ दिया था, आज ये कारवां बहुत बड़ा हो चुका है। इसका एक छोटा सा प्रभाव, इसका एक छोटी सी प्रेरणा, इसका एक छोटा सा मूल्यांकन इस समय हम लोग आपके पास पहुंचा रहे हैं। यहां रुकते हैं, लेकिन 68 साल की इस धम्म क्रांति का ये मूल्यांकन का सिलसिला जारी रहेगा।